हम लोग भेड़िया के चक्कर में रात दिन घूम रहे हैं। लाठी लेके समूह में निकला जाता है, रात भर डिप्टी दिन जाता है, बच्चन का बचावा जाता है। यही वो जगह है जहाँ पर भेड़िए देखे गए थे? हाँ सर, यही पर देखा गया था, इसी से यही रास्ते से आया था। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में इन दिनों भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। हालांकि काफी दिनों तक कड़ी मशक्कत करने के बाद वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और 2 की खोजबीन में जुटा हुआ है। जिन 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है वो दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। टाइम्स नौ नवभारत की टीम बहराइच में उस जगह पहुंची जहां इन दिनों भेड़ियों का आतंक है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़ियों की दहशत के बीच रात के अंधेरे में हमने हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जब रात होती है और अंधेरा छाता है तो उस वक्त लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर 50 दिन से भेड़ियों का आतंक लगातार देखा जा रहा है, जिसमें कई बच्चों की जान जा चुकी है, कई लोग यहाँ पर जख्मी हो चुके हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये आई है कि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ भेड़िए बाहर घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को, गांव वालों को खतरा है। अभी भी आप देखेंगे कि हम जंगल के क्षेत्र में ही हैं और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो तो लगातार जंगल के बीच में जा ही रहे हैं, क्योंकि यहां लोगों के बीच में एक विश्वास कायम करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी भी मौजूद हैं, जो शुरुआती वक्त से ग्रामीणों के साथ में भी रहे हैं और रात में लगातार गश्त भी कर रहे हैं। देखिए उनके साथ में कितने सारे लोग हैं, साथ में हथियार भी हैं, डंडे भी हैं, और बाकायदा यहां पर लोगों के बीच जाकर उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहां पर साथ में हैं। डायरेक्टर साहब, अभी देखा गया कि 4 भेड़िए पकड़े गए, लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है। लोग अभी भी डरे हुए हैं और जब रात होती है तो खास तौर पर उनके मन में डर बैठ जाता है। अभी हालात क्या हैं जरा यहाँ के? हालात कल की अपेक्षा तो आज बेहतर हैं। सुबह से लोगों को सुकून हुआ क्योंकि एक भेड़िया पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ में आ रहा था लेकिन किसी कारण से निकल गया। बहुत जल्द ही दोनों भेड़िए जो शेष बचे हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है, हमको अपने बच्चों को घर के अंदर सुलाने की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। अगर बाहर निकलना हो तो बगैर 4-5 लोगों के बाहर न निकलें। यही संदेश सबको माइक के द्वारा भी दिया जा रहा है, गाड़ियों के द्वारा ऐलान किया जा रहा है, और प्रशासन के अधिकारी 92 गांवों में हमारी टीमें लगी हुई हैं, सरकारी टीमें लगी हैं, वो भी यही काम कर रही हैं, वहां के प्रधान भी यही काम कर रहे हैं, वहां की जनता भी यही काम कर रही है, लोग जागरूक हैं। कल रात में हम जहां जहां गए पहली बार देख करके प्रसन्नता हुई कि सारे उन पूर्वों के लोग जागृत हो गए हैं, जागरण कर रहे हैं और सब लाठी डंडा लेकर के मुस्तैद हैं। भेड़ियों के आतंक के बीच क्या बोले लोग? भेड़िए की दहशत की वजह से काफी वक्त से लोग परेशान, और यहां पर अभी आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं। और ये आप पीछे देखिए, ये जो आप खेत देख रहे हैं इन्हीं की आड़ में भेड़िए छुपे रहते हैं और उसके बाद झुंड में इकट्ठा होकर हमला करते हैं, और ऐसे ही रास्ते से वो गांव की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं। और इसीलिए ये देखिए, हाथों में टॉर्च लेकर ग्रामीण यहां पर हैं, ये हाथों में लठ लेकर, बांस लेकर, ये सभी लोग एकजुट होकर यहां पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों की रखवाली करनी, इन्हें अपने परिवार वालों की रखवाली करनी है। रात में आजकल यहां जो ग्रामीण है ना वो सोते नहीं है, वो रखवाली करते हैं, वो पहरा करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए। और इसीलिए आप देखिए कि कितनी भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद है। आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग भेड़िए के चक्कर में रात दिन घूम रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे, जो हमारे पास सुविधा है हम अंदर छुपा के रखते हैं, और हम लोग लाठी या भाला गड़ा से जो हमारे पास औजार है बैठ करके और 4 लोग गांव के मिल करके अपने गांव के रक्षा कर रहे हैं। हाँ दादा, हाँ यह पर निकसा तो हम सब खेदे पर लेखन के पल्ला बंद कर दिया अंदर है। अच्छा, तो जो बताओ रात में आपको परेशानी, डर नहीं लगता कि अचानक ऐसे? डर तो लगता है लेकिन क्या करें। दादा क्या कह रहे? लाठी लेके समूह में निकला जाता है, रात भर ड्यूटी दिन जाता है, बच्चन का बचावा जाता है, यह प्रॉब्लम है। बराबर दिन में 2 वक्त की रोटी की कोशिश, 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद और रात में जान बचाने के लिए जद्दोजहद, यही हालात यहाँ पर हो गए। आपका क्या नाम है? सोनेलाल। सोनेलाल जी, कब से ये सब समस्या झेल रहे हैं आप लोग? अरे कम से कम ये हो गया 2 महीना से ऊंचे हो गए।
अच्छा अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि यही वो जगह है जहाँ पर भेड़िए देखे गए थे। हाँ सर, यही पर देखा गया था, इसी से यही रास्ते से आया था, इसी गन्ने में चला गया था, इसमें हम सब हमला मचाया था, इसके वजह से मैं सब ढूंढ रहा था, मिला नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये सुनने में आया कि यहीं पर ही पास में एक भेड़िया पकड़ा भी गया है। जी जी, पास में ही पकड़ा गया है। तो अभी आप लोग, दद्दा क्या नाम है आपका? रामदेव। दद्दा, इस उम्र में परेशानी होती है जब ऐसी खबरें आती हैं? परेशानी भैया बहुत है, रात दिन सोई थे नहीं, अपन लड़का बच्चा बचाते है और लाठी लहर अपटाते है उनका, तो दिक्कत तो है ना। बहराइच में अंधेरी रात में क्या क्या दिखा? देखिए, अभी रात के 12:15 यानी 12 बजने को हैं और हम बहराइच के गांव में हैं, बहराइच की सड़कों पर हैं, क्योंकि रात भर यहां पर गश्त करने के लिए लोग बाग भी जा रहे हैं, तो हम भी उन सड़कों पर हैं, गांव की सड़कों पर, कि लोग बाग यहां पर कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं, ये जानने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप देखिए, ये सड़कों पर बहुत सारे लोग ऐसा है कि अभी सो नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे यहां पर देखिए कि यहां पर कुछ लोग यहां पर मेरे को लग रहा है कि मौजूद हैं और इस वक्त सोने की, शायद रात के 12 बजने को है लेकिन उसके बावजूद सोने की तैयारी कर रहे। चलिए एक बार इनसे जरा बात कर लेते हैं, एक मिनट। ये देखिए कि कैसे हालात यहां पर हैं। दादा क्या नाम है आपका भैया? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, दादा क्या नाम है? गर्ग। दादा ये बताओ कि इतना रात हो गई, अब तो सोने का वक्त हो गया और आप लोग यहाँ भेड़िए से, आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, जल साहब लागू चल हुआ और जो तो सब बांधे हैं, तो इससे घर दूर है, तो अपन इससे रही है और जागी है और बैठ रही है, कहीं सोई से नहीं है। आप बताइए कि डर नहीं लगता यहाँ पर? पूरे इलाके में भेड़िया कितने 9 बच्चों को निशाना बना चुका है, खा चुका है। जी डर तो लगता है, मतलब इधर उधर सुन रहे हैं, मतलब बस, मतलब लेकिन अब अपना बंगला है, अपने हरहा बस बांधे हुए हैं, इसके लिए देखभाल हम लोग मतलब रह रहे हैं। ये पड़रा यहाँ पर बंधा हुआ है तो, और ये भैंसिया भी यहाँ पर बंधी है जानवरों के लिए। हाँ, इसके की मतलब कहूँ काट न दे, या इसलिए मतलब इधर सुन रहे हैं, मतलब तो यहाँ कौन सोएगा? यहाँ लोग, दो लोग सोए रहे हैं, हमारे पापा और बाबा जी। आप भी यहीं पर ही सोते हैं? नहीं, ऐसा है, यह पहुड़ी है और यह पंजीकृत भाजी है और जागी है और सोई सुनाई है। ज्यादा साल क्या कह रहे हैं दादा? कह रहे हैं मतलब सोते नहीं हैं, मतलब जाग रहते हैं भेड़िए के। हम मतलब रात में आप सो ही नहीं पा रहे इस वक्त, ऐसा डर है? हाँ, ऐसा डर है। रामलाल जी, रात में तो यहाँ बहुत भेड़िए हैं और आप लाठी लेकर बाहर ही सो रहे हो, डर नहीं लग रहा आपको? डर लगे तो कहाँ चले जाओ जाए। तो फिर भी हमने देखा है यहाँ पर 8-9 बच्चों को निशाना बना चुका है, मार चुका है भेड़िया, और आप तो बुजुर्ग हो और उसके बावजूद रात में आप सो रहे हो, क्यों, बाहर क्यों? बाहर ना रहे थे, रहे तो अंदर है, लेकिन अभी से हम इतने बैठे हैं ना, तो यही तो अब रात का टाइम है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डर खतरा है ना। हाँ, तो अभी ऐसी गाड़ी खड़ी रहा थे तो जानवरों की रखवाली करने के लिए। हाँ, हराव देखा जाता है कि इनका चोर चहार छोड़ ले जाए या छुटाए तुराए, कहूँ लड़ी जाए या कोई के धान चल ले तो भराए झगड़ा झंझट हो। अच्छा, आप ये जो बताओ, इतने सालों से आप रह रहे हैं कि भेड़ियों ने पहले भी इतना परेशान किया या इसी बार? हाँ, तब हो नहीं, इसी बार इतना ज्यादा परेशान? हाँ, अब किन 3-4 महीना से है या टहला। क्या वजह क्या लगती है आपको? वजह क्या लगती है, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत देखो, क्या वजह क्या लगती है कि इतना? जानकारी नहीं मिल रही है कि भेड़ा है बड़े बड़े और रहे दिन में। ये आप देखिए, ये PSC बल, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आती है, सामान लेकर चली आती है, तो PSC की टीम और अंदर पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब आप देखिए कि रात के वक्त पर यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं और यहाँ से ही कुछ किलोमीटर की दूर, जहाँ से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, खेतों के अंदर से जहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं, शिकार वहाँ पर शिकारी के लिए तैयार किया गया है। तो दादा, ये ऐसे हालात क्यों हो गए हैं यहाँ? अब पता नहीं क्या कारण है, अब पहले कौन रहता जानवर ही रहा जो रहा है, ये कौन ना दांधी करते रहे, लेकिन अब 3-4 महीने से जानकारी है नहीं। तो हमने उन्हें परेशान किया इसीलिए। हाँ,